करनाल की घरोना अनाज मंडी में किसानों ने कृषि अध्यादेशों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पुतला दहन किया। पुतला दहन करते हुए किसानों ने कहा कि अहंकार के रूप में मोदी, मनोहर व दुष्यंत का पुतला फूंका गया है, क्योंकि किसानों की मेहनत कौड़ियों के भाव में बिक रही है। उन्होंने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, इसलिए विजयदशमी पर्व मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने कृषि अध्यादेशों के विरोध में देश व प्रदेश की सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। इस दौरान किसानों ने कहा कि किसान की मेहनत की कमाई कौड़ियों के भाव लूटी जा रही है, इसलिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। किसान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि हम हमेशा दशहरे पर अहंकार और घमंड का पुतला दहन करते हैं, ना कि किसी रावण का। रावण तो केवल एक नाम है, वह अहंकारी था और इसी तरह मोदी भी अहंकारी है। सारे देश के किसान गुहार लगा रहे हैं कि हमें यह कानून नहीं चाहिए, हमारे लिए यह कानून ठीक नहीं है, इससे तो हम जैसे पहले थे वैसे ही सही हैं, तो क्यों जबरदस्ती अध्यादेश हमारे ऊपर थोप दिए गए? जब उनको यह नहीं पता कि इससे हमारा फायदा होगा या नुकसान, तब जबरदस्ती कानून क्यों लागू किया गया? यह अध्यादेश उस समय के लिए होते हैं जब कोई आपातकाल या युद्ध की स्थिति हो या देश में महामारी हो रही हो। मोदी ने तो कोरोना के समय में इसका फायदा उठाया ताकि विरोध प्रदर्शन ना कर सकें, लेकिन हम किसान विरोध करेंगे, जब तक जान में जान है विरोध करेंगे। अगर मोदी सच्चे किसान हितैषी हैं तो किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें और किसानों का MSP के ऊपर भाव देने का जो सिस्टम है उसके ऊपर कानून बनाए। वहीं किसानों ने कहा कि आज हमने पूरे देश में मोदी के पुतले फूंके हैं, अगर अब भी मोदी नहीं मानते और अध्यादेशों के ऊपर विचार नहीं करते हैं तो अब हम 5 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना कर देंगे। अगर तब भी नहीं माने तो उससे अगला कदम उठाया जाएगा। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। हम हमेशा दशहरे पर अहंकार और घमंड का पुतला दहन करते हैं, ना कि किसी रावण का। रावण तो सिर्फ एक नाम है तो वो अहंकार, और इसी तरह यो मोदी भी अहंकार है। देश के प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं पता खेती क्या चीज है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरी उम्र पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, राजनीति करी, राज करया, कभी सड़क पर उतर गए, जहाज पर उतर गए, कभी देखे सड़क में जाकर खेत में जाकर खेत खलिहान में किसान के साथ में क्या हो रहा है, किसान क्या पैदा कर रहा है, गेहूँ कहाँ पैदा होता है, आलू कहाँ पैदा होता है, सूखे मन की बात क्या कहता, कोई भी बन जाएगा ठीक है। आज पावर उनके पास कुछ भी कह सकते हैं, मन की बात कहो चाहे तन की बात कहो, अरे उसको जाकर पूछो जो आज मंडी में पीट रहा है, मारा मारा फिर रहा है, इधर उधर देख रहा है, कोई उसको सहायता करने वाला नहीं है। उसकी फसल जो 6 महीने करके मेहनत, खून पसीना, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए कपड़े तक, दिवाली नहीं दिवाला बन गया किसान का, सारी जीरी लूट ली मारी। जो जीरी पिछले साल 3,000 तक बिकी वो 1700 रुपये में जीरी बिक रही है, अरे खर्चा मारे इतने बढ़ गए मारे, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं गया मोदी का। और इसके खिलाफ मैं ये कानून बना के रख दिए ताकि इनसे उद्योगपतियों को फायदा पहुँच सके। सारा देश जब एक बात की गुहार लगा रहा है कि भाई हमें यह कानून नहीं चाहिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम तो जैसे पहले से वैसे रखो, तो क्यों ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिए? कोई ऐसा किसान समूह या कोई किसान आदमी उनके बीच में जाकर उनकी सलाह क्यों नहीं ले रहे लागू करने से पहले, जिनके लिए लागू कर रहे हैं, जब उनको ये भी नहीं पता भाई इससे हमारा फायदा होगा नुकसान होगा, ज़बरदस्ती लागू करते, जब उनको पता लगता है तब तक तो ये लागू भी हो गया। और ऐसे आपातकाल में जब कोरोना की महामारी थी, अध्यादेश लाना कोई ज़रूरी नहीं था, ये कानून इतना ज़रूरी नहीं था कि अगर 6 महीने इसके बिना हम नहीं रह सकते थे। ये अध्यादेश उस समय के लिए होते हैं जब कोई आपातकाल हो, जो युद्ध की स्थिति हो, कोई भयंकर महामारी देश में हो रही हो। तो मोदी जी ने तो ऐसे समय पर इसका एक मौके का फायदा उठाया ताकि लोग कोरोना का सिस्टम देख कर मतलब कोई इस बात पर विरोध न कर सके, लेकिन किसान हम विरोध करेंगे, जब तक जान में जान विरोध करेंगे, चाहे मोदी हमें जेलों में घेरे, चाहे फांसी उतरवा, गोली मारा, कुछ मर्जी करें, हम इस कानून का, 3 कानूनों का विरोध करेंगे। अगर मोदी सच्चा किसान हितैषी है तो किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और किसानों का MSP के ऊपर भाव तय करने का जो सिस्टम है उसके ऊपर कानून बनाए, जो उससे कम खरीदेगा उसके ऊपर सजा होगी,
और मंडियों का दुरुस्त करें, जैसे पहले मंडी थी ऐसे रखे, पूरे देश में मंडी बनाए। ये थोड़ा भी हरियाणा पंजाब के अंदर मंडी रहती थी, वो भी खत्म कर दी और देश में बनाओ। आज हमने पूरे देश में पुतले फूके हैं। अगर अब भी मोदी जी नहीं मानते हैं, इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं, तो अब हम जो है 5 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करेंगे और सड़क के ऊपर बैठेंगे। उस पर भी अगर नहीं माना तो आगे क्या हुआ, उस पर खतरनाक होगी। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो बहुत ही अपने अहंकार से ये जो कृषि कानून लेकर आए हैं, किसानों सभी किसान देश के इसके खिलाफ हैं, और फिर भी इन काले कानूनों को लागू किया गया है, उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, विरोध चल रहा है हर जगह। तो आज उसी के लिए आज दशहरा था, तो दशहरे पे जिस प्रकार से रावण को उसके अहंकार की वजह से उनका दहन किया जाता है, प्रधानमंत्री भी हमारा आज अहंकार के अंदर मतलब ये फैसले ले रहा है और उनको लागू कर रहा है, उसी वजह से आज गोंडा मंडी में किसानों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.